दोस्तों, आज से पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज से पहले ऐसा रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिला होगा। हाँ हाँ, कुछ लोग तो कहेंगे कि विकास खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करता है, टुनटुन का सपोर्ट करता है, तो ये बस खेसारी के सपोर्ट में ही बोलेगा। लेकिन हम आपको बता दें, आप सोशल मीडिया से वाकिफ हैं तो पूरे इतिहास को देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, आज से पहले इस लेवल का फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब खेसारी लाल यादव ने कहा था कि भाई साहब कश्मीर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, माइनस डिग्री में हमने काम किया, तो वाकई में वो मेहनत आपको इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। देखिए, इस फिल्म का टीजर ट्रेलर दोनों आ चुका है, और ट्रेलर देखने के बाद भाई इस फिल्म का अगर रैंकिंग की बात करें तो वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, और इस फिल्म को कितना नंबर दिया जाना चाहिए वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले बता दें आपको इस फिल्म की कहानी, तो देखिए जो पूरा फिल्म है देश पे आधारित है, और खेसारी लाल यादव इसमें डबल रोल में आपको नजर आने वाले हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव के पिताजी खेसारी लाल यादव स्वयं बने हैं, और खेसारी लाल यादव अपने बेटे स्वयं बने हैं। मतलब कहें तो दोनों रोल खेसारी लाल यादव का है, और पूरे फिल्म में खेसारी लाल यादव देश और बॉर्डर इसी पे फिल्म को आधारित किया है। फिल्म के इस क्लिप को देखने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही खटखटाहट आएगा कि भाई ये फिल्म हमने पहले कभी देखा है। पहले आप ये क्लिप देखिए। उसकी खैर नहीं। ये फिल्म कहीं सनी देओल का द हीरो फिल्म का क्लिप तो नहीं आपने दिखाया? तो नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये फिल्म खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती का कुछ क्लिप था जो कि हमने आपके सामने पेश किया था। अब देखिए, फिल्म का ट्रेलर जो है ना वो एसआरके म्यूजिक पे आज सुबह आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखो। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म कहा जाने वाला, जब संघर्ष 2 आया था तो पूरा भौकाल मचा के रख दिया था, उससे बड़े बजट का और उससे बड़े लेवल का फिल्म। और फिल्म में बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में जो हीरोइन के तौर पे सिलेक्टेड है वो है रत्ती पांडे, जो कि भाई साहब एकदम वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री से कोसों दूर थी, और वो पहला उनका डेब्यू है भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसके बाद आपको इस फिल्म में नजर आएंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में कश्मीर की फेमस एक्ट्रेस डायना। इस वाले क्लिप को देखने पे आपको क्या लगा कि कहीं साउथ की फिल्म तो नहीं आ गई, साउथ का फिल्म तो नहीं चलने लगा, भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म की क्वालिटी अचानक से हाई कैसे हो गई? तो दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो लकीर खींचना होता है वो अपने ट्रेंडिंग स्टार के द्वारा ही होता है। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फिल्म अगर कोई लेकर के आया है तो वो है अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। तो भाई पूरे फिल्म को उठा करके देख लीजिए, और पूरे फिल्म में खेसारी लाल यादव ने ऐसा कहीं भी इस ट्रेलर में नजर नहीं आ रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद आदमी बोर हो जाएगा या फिर टाइम कटाना भी मुश्किल पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, वो वक्त आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमने पहले ही कहा था कि वो अब हम करेंगे लास्ट में, वो अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, इस फिल्म को देने की बात करें नंबर, तो वो फिल्म को नंबर दिया जाता है 10 में से 10। हाँ, देखिए, इस फिल्म को 10 में से 10 देने का मतलब कि ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बवंडर फिल्म, सबसे बड़ी लागत की फिल्म। और फिल्म जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था, उस समय खेसारी लाल यादव के टीम से हमने पूछा, सर क्या खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 से भी बड़ी इन फ्यूचर आ सकती है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया था कि रंग दे बसंती संघर्ष 2 का बाप है, और उससे भी बड़े बजट का और बड़े लागत का और बहुत सारे लोकेशन में शूट किया हुआ यह फिल्म है। अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और वहां देखिए कि हमने खेसारी सर के पूरे टीम का इंटरव्यू करने का प्रयास किया है, जिसमें एक मेंबर जो कि कृष्णा बेदर्दी यादव है, उनका हमने इंटरव्यू किया था। बाकी अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद।